कि आपने 1956 के बाद बाबा साहब के बाद में ये कसम खाई है कि इसको प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, तो बनेगा तभी जब बुद्ध का वीडियो कैसे बनाए। बहुत सारे जो नर और नारी हैं उनकी इच्छा है कि वो भी धम्म प्रचार और प्रसार में अपना योगदान दें। कुछ कोशिश करते हैं, कुछ कोशिश करती हैं, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपने आर्टिकल या अपना लेख या दो चार लाइन डाल के या लाइक कर। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई महिलाओं से मैंने चैट पर बातचीत की, वो झिझकते हैं, महिलाएं झिझकती हैं, लोग भी झिझकते हैं। उनको इस बात की झिझकन रहती है कि हमारी आवाज कैसी होगी, हमारा चेहरा कैसा होगा, हम कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि जो कंटेंट यानी जो सार और जो सामग्री वो जानते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा अच्छा है। उनको अपने जो एपियरेंस है उससे बड़ी दिक्कत है कि हम कैसे लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे। तो मेरा यहां उन सभी लोगों के लिए एक सुझाव है कि आप अपना मोबाइल उठाइए, अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरा उठाइए, एक कमरे में आप बैठ जाइए, पीछे कोई अच्छा सा पर्दा या कोई सीनरी या कोई बढ़िया सी दीवार चुन लीजिए, वहां अपना स्टूल लेके बैठ जाइए और कमरे की लाइट जला लीजिए, अपना मोबाइल कहीं टेबल पर रख लीजिए या एक स्टैंड मंगा लीजिए, 500-700 रुपए का स्टैंड आ जाता है, माइक कैमरे का काम कर जाता है, चाहे तो सेपरेट माइक मंगा सकते हैं, वो यूट्यूब पर आप पता कर लेंगे। आपको जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो हम सीख ही रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं वो लोग, मगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो कहते हैं जी अभी तो हम सीख ही रहे हैं। अरे भाई, मरते मरते तक भी सीखते रहोगे तो सिखाओगे कब, फिर ये बढ़ेगा कैसे। आपने 10वीं क्लास तक का सीख लिया, मान लो धम्म, हम इसको क्लास में ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे क्लास होती हैं, तो आपने 10 क्लास तक का धम्म सीख लिया, तो आप 10 क्लास तक का तो पढ़ा सकते हो, 8 क्लास का तो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हो, 1, 2, 3 क्लास का तो और भी अच्छा पढ़ा सकते हो। तो आप उन बच्चों के लिए उनके हिसाब से बनाइए ना। लोगों के दिमाग में क्या है, हम जब धम्म बताएंगे तो परफेक्शन होना चाहिए, और कोई विद्वान हमारा वीडियो सुने तो कह जी बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है। भाई, विद्वानों के लिए मत बनाइए, विद्वानों के लिए तो भगवान बुद्ध बना के जा चुके हैं, वो सब है, जो धुरंधर हैं, जो धम्मधर हैं, बेसिकली धम्मधर से धुरंधर बना है, जो धम्मधर हैं उनके लिए तो भगवान बुद्ध का ही देशना है, मगर जो साधारण लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं या अभी सीख रहे हैं या बुद्ध का नाम जान रहे हैं या धम्म का नाम जान रहे हैं या संघ का नाम जान रहे हैं, उनके हिसाब से तो आपको आता है, तो उनके हिसाब से वीडियो बनाइए ना। जो बच्चा भी पैदा हुआ है और जो बोलना सीखा है, सुनना सीखा है, उसके हिसाब से धम्म बनाइए, कुछ गा के बनाइए, कुछ दोहों में बनाइए, कुछ पद में बनाइए, कुछ गजल में बनाइए, कुछ गीत में बनाइए, कुछ फोटो में बनाइए, तीक्ष्ण पंसील के हिसाब से बनाइए, कुछ सुन के बनाइए। अगर नहीं आता है तो किसी का वीडियो देख लीजिए, किसी का आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसमें से कॉपी करके अपनी आवाजें बनाइए। मेरे आर्टिकल, मेरे जो वीडियोस हैं वो तो सारे के सारे कॉपीराइट फ्री हैं, उन्हें ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से कॉपी पेस्ट करके अपनी आवाज में उसको डाल दीजिए बनाकर। किसी रेफरेंस की और संदर्भ की चिंता ना करें, रेफरेंस और संदर्भ सच्चे लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, उनकी सारी बात ठीक होती है। किताबें कुछ ऑथेंटिक हैं, कुछ ऑथेंटिक नहीं है, थोड़ा कुछ गलत होगा, वो जो लोग कमेंट देंगे उसमें ठीक ठीक होता चला जाएगा, 2-3 वीडियो में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी कि कैसे वीडियो अच्छा बनता है, कैसे नहीं बनता है। हर वीडियो, पहली वाली वीडियो से जो अगली वीडियो होगी वो इम्प्रूव्ड होगी, वो पहले से ज्यादा अच्छी और बेहतर होगी, इसलिए उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये सोच के कि हम आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, पता नहीं कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, ये हमारा काम है या नहीं है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, अगर आप ऐसा सोचते रहेंगे या डरते रहेंगे या झिझकते रहेंगे या शर्माते रहेंगे और फिर आप कहेंगे कि प्रबुद्ध भारत हो जाए, प्रबुद्ध भारत हो जाए, तो
प्रभुत्व भारत बनाने के लिए कोई अंतरिक्ष लोग नहीं आने वाले हैं, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे धनाधन अपना पोस्ट का प्रचार कर सकें या किताब में मैगजीन में अपना दे सकें, इतना पैसा नहीं है आपके पास में। आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही प्रचार करना पड़ेगा, आपको ही प्रसार करना पड़ेगा। जैसी भाषा आती है, जैसा बोल सकते हैं, जिस भी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी तरीके से, कोई से कपड़े पहनकर, चाहे कपड़े प्रेस हैं या नहीं है, चाहे बाल आपके बेहतर टीम है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शब्द थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। आप एक बार लोड कीजिए, आपको दर्शक नहीं मिलेंगे शुरू में, क्योंकि यहाँ दर्शकों को लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप उसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा वीडियो है, उसको शेयर करें या आप सब्सक्राइब करें या देखें उसको, कमियां बताएं मेरी। थकिए मत, 100-200 वीडियो बनाने के बाद में दर्शक मिलने आरंभ होते हैं। 100-200 वीडियो का पता भी नहीं चलता यूट्यूब पे कि कहां आई और कहां चली गई। रोज एक वीडियो बनाने का एवरेज डालिए, आराम से वीडियो बनाइए। एक वीडियो बनाएंगे तो दो के सब्जेक्ट अपने आप मिल जाएंगे। सभी विषय पर वीडियो बनाइए, खाली बुद्ध पर नहीं, महापुरुष हैं अंबेडकर पे बनाइए, ज्योतिबा फुले पे बनाइए, नामदेव पे बनाइए, जितने भी संत हैं, कबीर हैं, उन पे बनाइए। घरेलू सब्जेक्ट उठाइए, और कुछ नहीं तो आपने खीर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बनाइए, सब्जी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर बनाइए, जो आपको आता है वो से खाइए। आपने कुछ दिन में खास देखा वो बताइए, किसी मीटिंग सभा में गए उसके बारे में बताइए, घर में किस तरह से व्यवहार होता है, किस तरह से हम गरीबी की तरफ जाते हैं, किस तरह से हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। आपने कोई गंदी आदत छोड़ी है तो उसके बारे में वीडियो बना दीजिए कि ये मैंने गंदी आदत थी, ये मैंने छोड़ दी, इसका ये वीडियो ऐसे ऐसे मैंने छोड़ी, वो लोगों का प्रेरणा बन जाएगा। आपने कुछ अचीव किया है, अचीवमेंट है आपकी, उसका फोटो बनाइए, उसका वीडियो बनाइए, उसे डालिए। इसके अलावा अपनी ऑडियो बनाइए। ऑडियो के लिए एंकर एक सॉफ्टवेयर होता है, ANCHOR एंकर। एंकर वही एंकर जो जहाजों में नीचे पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि अब एंकर डाल दे, या कहते हैं कि यहाँ पे लंगर डाल दे, लंगर को एंकर बोलते हैं। तो एंकर आप डालेंगे, नेट पर सर्च करेंगे एंकर, तो एंकर एक ऐसी साइट है कि वहां आप ऑडियो कोई भी बनाकर मोबाइल से ही, खाली आप बोलेंगे वो वहां लोड हो जाएगा और पूरी दुनिया में चला जाएगा। वो एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, ब्रीक पे, स्पोटिफाई पे, सभी जितने भी जो ऑडियो की सर्विस देने वाले लिंक हैं उन सब पे चला जाता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। आगे आने वाला समय वीडियो का नहीं रहेगा, ऑडियो का रहेगा, इसलिए ऑडियो बनाना सीखें। ऑडियो और भी आसान है, इसमें तो आपको चेहरा भी नहीं दिखाना है, आप बैठे बैठे बेडरूम के अंदर 20 ऑडियो एक घंटे में बना सकते हैं। किताब पढ़ेंगे उसका भी ऑडियो बन जाएगा, मान लो आपने धम्म की कोई किताब पढ़ी है उसी को लोड कर दिया आपने। कहने का मतलब यह है कि क्योंकि धम्म पूरी दुनिया में चर्चा में है, तो भारत में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जगत गुरु तो यहाँ है, भगवान बुद्ध, और उनके अनुयायी आप हैं, क्योंकि आपने 1956 के बाद, बाबा साहब के बाद में ये कसम खाई है कि इसको प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। तो बनेगा तभी जब आप इसकी एक कड़ी बनेंगे, जब आप इससे जुड़ेंगे और आप इसको प्रचार में आगे बढ़ाएंगे। वही बढ़ता है आज के समय में जो प्रचार करना जानता है अपनी चीजों का। अगर आप मार्केटिंग या प्रचार करना नहीं जानते हैं धम्म का, बुद्ध का, बेशक धम्म और बुद्ध बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा है, मगर बिना प्रचार के और बाकी जो प्रचार हैं वो इसको दबा देंगे, या इसको बदल देंगे, या इसको घुमा देंगे, या इसको अपने में शामिल कर लेंगे, फिर आपके पास हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। धन्यवाद। Gachami. Duthiyampi Dhammam.
बिठानू।